brought to you by YourQuote, an app that makes you write and perform. अच्छा सुनो, वो जो पहली दफा प्यार का इजहार किया था ना, वो रात याद है क्या? हाँ, वो सभी बातें, कुछ पुरानी मुलाकातें सब संभाल के रखी है मैंने एक प्यारे से यादों के संदूक में। मेरी किताब के हर पन्ने में तुझे कैद करके रखा है, मेरी किताब के हर पन्ने में तुझे कैद करके रखा है, मगर फिर भी न जाने क्यों तुमसे मिलने की एक ख्वाहिश भी होती रहती है। वैसे तसव्वुर में तो कई दफ़ा हमारी मुलाकात हो चुकी है, वो टूटे ख्वाब वो रुसवाइयों में भी जो साथ है वो तुम हो, मेरे दूर होकर भी मेरे बहुत पास हो, मेरे जाने बाहर मेरे गुली गुलजार क्या तुम कोई गहरा सरास हो। अच्छा अब ताम्र साथ निभाना है तो मुश्किलें तो आएगी ना, राह में नुकीले काटे हैं तुम साथ निभाओगे ना, पर सुनो कि तुम ना ज्यादा फिक्र मत करना, तुम बस मुझे संभाल लेना और बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। अच्छा अच्छा चलो ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ वो 2 साल पहले वाली आखिरी मुलाकात याद है क्या, वो गुमसुम सी मैं और नादान से तुम। मेरा मन आज भी उसी मंदिर के हर गलियारे में ही घूमता सा रहता है, तुम भी बताओ ना तुम्हें एहसास होता है क्या, उस रास्ते से गुजरते हुए या उस मंदिर में जाते हुए तुम्हें भी मेरी याद तो आती होगी ना। और हाँ वो जो पियानो रिकॉर्डिंग्स भेजते रहते हो ना तुम अपनी, उसकी ना मैंने एक बड़ी प्यारी सी प्लेलिस्ट बना के रखी है जिसे मैं रोज सुना करती हूँ। पहले तुमसे बात करते करते मुझे लगा नहीं था कि हमारी कुछ बात बन भी पाएगी, लेकिन फिर बात तो हुई, बात आगे भी बढ़ी और मुलाकात भी हुई। ये जो सफर है ना बहुत बहुत खूबसूरत है, दिन ब दिन ये मरासम गहरा सा होता चला जा रहा है, और अगर कभी कुछ बयां ना भी कर पाऊँ ना तो तुम मेरी खामोशी जरूर पढ़ लेना, खामोशी शब्दों से ज्यादा बोलती है, खामोशी शब्दों से ज्यादा बोलती है, तुम सुनना जरूर, तुम सुनना जरूर।